1, 2, 3, 4, 5. सबसे पहले आपका नाम और आपके डेजिग्नेशन। डॉक्टर विक्रम शाह, चेयरमैन शेल्बी हॉस्पिटल्स। सर, आज इंडियन मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया, आपको किस तरह से लगा, कैसा है? आज जो यूनियन बजट, हिंदी बोलूँ ना, हिंदी बोलो। आज जो यूनियन बजट पेश किया गया, वो आमतौर से मेरी राय में हर साल होता है ऐसा ही है, कुछ मुझे स्पेशल नहीं लग रहा है। मैं बुरा भी नहीं मानूंगा और बहुत सही भी नहीं मानूंगा। क्या आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं वित्त मंत्री के हिसाब से जो बजट पेश किया? मेरे हिसाब से अपना जो इम्पोर्ट बिल कम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो आगे चल के बहुत मुश्किल में डालेगा अपने कंट्री को। हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें बाहर से आती है वो सब यहीं बने, उसके लिए जो भी उपाय अपने देश को करने चाहिए, गवर्नमेंट को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, सबको ये प्रयत्न बिल्कुल करने चाहिए। टैक्सेस के बारे में मेरी बहुत स्पष्ट राय है कि देश चलते ही कर से है और करदाता को टैक्स तो देना ही चाहिए। टैक्स थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है हर साल, बाकी कर तो देना ही चाहिए। बट सरकार को ये करना है कि कैसे करदाता की संख्या बढ़ाई जाए। 110 करोड़ की बस्ती में से 2 करोड़ करदाता है तो देश कैसे चलेगा? 2 करोड़ लोगों के कर पे 110 करोड़ का देश नहीं चल सकता। निवेश की बात करें तो मैंने कहा ऐसा कि निवेश वहाँ होना चाहिए कि जो चीज़ बाहर से आती है, वो चीज़, हर चीज़ में निवेश जितना भी हो सके उतना करना चाहिए। दूसरा, निवेश होना चाहिए जरूरियत की चीज़ों में, हेल्थ केयर में। तो हेल्थ केयर में आज की तारीख में ऐसा है कि पूर्ता व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन में पूर्ता व्यवस्था नहीं है। तो जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पूर्ता व्यवस्था नहीं है तो उतनी जगह पे सरकार को रियायत देनी चाहिए कि ज़्यादा निवेश हो। ढांचा बदलने की बात की रही थी, क्या लग रहा है? ढांचा कोई भी तरह का डालो, सही आदमी अगर सही काम में नहीं होगा तो कोई भी ढांचा काम नहीं करता है। सही आदमी सही काम करता है तो ढांचा कोई भी चलता है मेरी राय में। इस बार महिलाओं के लिए अलग बैंक बनाने का जो वादा किया है 1,000 करोड़ का, क्या आप किस मायने में देखते हो? मेरी राय में आज की तारीख में भी कोई बैंक महिलाओं को ना नहीं कहती, और सभी बैंक में लार्ज बड़ी सबसे बड़ी बैंक है वो गवर्नमेंट की ही है, तो वो तो गवर्नमेंट उनको बोल सकती है कि महिलाओं को प्राधान्य दो। मेरे ख्याल से तो ये आई वॉश है। आज एक अनाउंस किया है कि 1,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार सिर्फ महिला के लिए बैंक बनाएगा, इसमें सभी कर्मचारी महिलाएं रहेगी, तो क्या वो सब एग्जिस्टिंग बैंक में कर सकते हैं ना? वो सब मतलब आप कर सकते हो कि भाई चलो सब PSU बैंक में 10% महिलाएं होनी चाहिए या 20% महिलाएं होनी चाहिए, या तो महिलाओं को इतना प्राधान्य देना चाहिए, या महिला एंटरप्रेन्योर को 1% कम इंटरेस्ट लेंगे, वो सब कर सकते हैं। मतलब उससे कुछ अलग करने से अलग नहीं होता है। 2014 का जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो क्या उसके मद्देनजर रखते हुए इस बार कुछ निवेश के लिए कुछ बढ़ाया नहीं है, घटाया नहीं है, क्या लग रहा है? सही मायने में बजट में तो क्या हुआ है कि साल में 10 बार अच्छी न्यूज़ भी आती है, गलत न्यूज़ भी आती है बिजनेस के लिए। मतलब बजट एक फॉर्मेलिटी रह गया है, मतलब बजट में ही चेंज आता है ऐसा नहीं रहा है अभी। हर चेंज हर महीने में 1-2 बार होते रहते हैं। आपके हॉस्पिटल पैसा, आपका पैसा हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, तो क्या लग रहा है कि इसके बारे में आपको कोई नुकसान होगा, फायदा रहेगा? नहीं, कोई नुकसान भी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है। इट्स अ न्यूट्रल बजट फॉर अस। मेडिकल जो मेडिसिन है जो उसको कम रेट करना चाहिए, ऐसा कुछ आपके सुझाव? मेडिसिन तो कम रेट में ही हिंदुस्तान में मिलती है, अगर देखा जाए तो प्रदेश के मुकाबले अफ्रीका में भी इवन यहाँ से ज़्यादा कॉस्ट है। मतलब अमेरिका यूरोप में तो ज़्यादा ही ज़्यादा है, लेकिन मेडिकल हेल्थ केयर अगर देखा जाए तो आप थाईलैंड भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उससे आधे दाम में आपके यहाँ बाईपास होता है या उसके आधे दाम में जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, उससे अच्छा तो क्या होगा? और वो लोग क्या चाहते थे और क्या मिला? नहीं, मैं चाहते थे, मैं तो ये कहूँगा कि हॉस्पिटल्स को रियायत ये तरीके से कि भाई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट। लाइक मैं कहूँगा कि सॉफ्टवेयर कंपनियों को गवर्नमेंट ने 100% टैक्स फ्री किया, तो आज
देश में कम से कम 50 कंपनियां ऐसी है सॉफ्टवेयर की कि जो दुनिया में नाम भी है, इतना एक्सपोर्ट भी करती है, और नाउ गवर्नमेंट इज अर्निंग लॉट ऑफ टैक्स बिकॉज नाउ इट इज टैक्सेबल. सिमिलरली हेल्थ केयर में वी कैन एक्सपोर्ट आवर सर्विसेज सो वेल टू ऑल ओवर वर्ल्ड, कभी अभी मेडिकल टूरिज्म में वगैरह में. तो जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, जितने अच्छे डॉक्टर्स होंगे, तो उतना जल्दी यहाँ से हम सर्विस बाहर के लोगों को भी दे पाएंगे और अपने लोगों को भी अच्छी सर्विस दे पाएंगे. अभी जब आप 30-32% टैक्स भरते हो तो उतना कम रियायत, कम इन्वेस्टमेंट होता है.